जन कवि नागार्जुन की जयंती पूर्णिया में बुजुर्ग समाज की ओर से एक समारोह आयोजित कर मनाई गई, जिसमें पूर्णिया के कई नामी साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर तमाम साहित्यकारों ने जन कवि नागार्जुन को श्रद्धांजलि दी और फिर कविताएं पढ़ी। समारोह में हिंदी, मैथिली, बंगला, उर्दू एवं अंगिका के कवियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी और जन कवि नागार्जुन को याद किया। इस दरमियान वक्ताओं ने कवि नागार्जुन के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी लेखनी से जितनी प्रसिद्धि पाई वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, किंतु इसके बावजूद उनका जीवन सादगी भरा ही बीता। बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक ने इस अवसर पर कविताएं पढ़ने के लिए कवियों की जमकर प्रशंसा की। साथ ही कला भवन जैसे साहित्यिक भवन में इस संदर्भ में कोई समारोह आयोजित नहीं होने पर दुख भी व्यक्त किया। जन कवि नागार्जुन की जयंती है आज और हमने उनकी 115वीं जयंती जन्मदिन कविता की एक शाम नागार्जुन के नाम से समारोह पूर्वक मनाई। इस कवि गोष्ठी में हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली और अंगिका के भी कवियों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष अंगिका के पैरोकार नित्यानंद कुमार हैं, जबकि विशिष्ट अतिथि अजय संजाल बंगला के सिद्धस्त साहित्यकार। विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर असगर राज फातमी और प्रोफेसर अहमद हसन दानिश हैं और गोष्ठी का आगाज कवि शिव नारायण शर्मा व्यथित की हिंदी और मैथिली कविता से हुई। डॉक्टर राम नरेश भक्त ने संचालन ही नहीं किया, नागार्जुन पर कविता की पाठ भी की। श्यामलाल पासवान ने भी कविता सुनाई, महेश विद्रोही ने भी सुनाई और संजय ने तो कमाल कर दिया कि अंगिका में जो यहाँ की बोली है उस अंगिका भाषा में कविता का पाठ किया। हम बुजुर्ग समाज की ओर से, साहित्यांगन की ओर से नागार्जुन को, उनकी स्मृति को मरने नहीं देंगे और हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे ही नहीं, बल्कि उनके दिखाए हुए जो राहें हैं उस पर चलने का भरपूर प्रयत्न करेंगे।